प्यारे बच्चों, आपका महामा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2019 में सेट नंबर दो, जिसका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। बहुत कठिन प्रश्न है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के फोकस बिंदु पर, सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस के बीच, और ऑप्शन नंबर डी और दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। जहां तक आपको नियम्स वगैरह जो हमने बताने में बताया है कि जब वस्तु अवतल दर्पण से रिलेटेड होगी तो पांच क्या छह प्रतिबिंब बनते हैं, छह स्थितियां बनती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पहले स्थिति में, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। अगर वस्तु अनंत पर होगी उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस से बनता है, ठीक है, छोटा आभासी बिंदु के समान होगा। धीरे धीरे जब वस्तु आएगी तो लास्ट ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सा? चौथा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यही एक ऐसी स्थिति होती है जिसपे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व बड़ा बनता है, अर्थात कौन सा ऑप्शन क्या बनता है? आभासी बनता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो पे। देखिए दूसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? चश्मे में किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? तो आप जानते हैं कि दर्पण का उपयोग तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता नहीं, आर पार देख नहीं सकते हैं। तो किसका क्या होगा? लेंस का ही उपयोग करना होगा। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इकाई अर्थात मतलब क्या होता है? मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा की मात्रक क्या होता है भैया? वोल्ट। क्या ऑप्शन दिया गया है? वोल्ट, वाट, एम्पीयर, वाट सेकंड। जैसे आप सभी लोग जानते हैं वोल्ट, वोल्ट किसका मतलब होता है? विभवांतर का। वाट किसका है? सामर्थ्य का। और एम्पीयर किसका मतलब होता है? धारा का। और जो ऑप्शन आपका है डी चौथा, ये किसका मतलब होता है? वाट सेकंड ऊर्जा का। ऑप्शन कौन सा होगा? ये चौथा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे। देखिए भाई, मुझे चौथा सवाल है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव के बीच किसी विद्युत धारा वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो नियम कौन कौन से बताए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है मैक्सवेल का कार्तिकोण नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तथा ओम का नियम। तो सभी चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और एक चीज और, खास करके भाई बोर्ड परीक्षाओं में कई बार ओम का नियम भी पूछा जाता है, तो आप इसे अलग से वो क्या करेंगे, ओम के नियम को याद कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो। देखिए अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति के नेत्रों में कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। और जिसके निवारण के लिए मनुष्य को जो लेंस होगा, मतलब मनुष्य की आंख में जो चश्मे लगाए जाएंगे, जिस लेंस के लगेंगे, वो होगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। इसकी परिभाषा भी हम लिख करके बताते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। जिसके निवारण के लिए, मतलब इसे क्या करना होगा, इस दोष को दूर करने के लिए, निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की जो स्थिति होगी वह निर्भर करेगी उस माध्यम से, उसका जो परिभाषा होगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य कण पाए जाते हैं,
अन्य पदार्थों के कुछ सूक्ष्मकण पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रकाश प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो, दो का ग देखिए। अगला प्रश्न है, कांच का वर्तमान 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए छोटे सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहां होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। बस इसी में आपको सब चीजों को रख देना है। तो 1.5 बराबर 3×10⁸ बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो इसको क्या किया जाएगा, किसे क्या करेंगे, प्रक्षांतर करेंगे, यह हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3×10⁸ बटे 1.5। इसका इसे भाग देंगे कितना आएगा, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सही जवाब होगा। अब इसको देख लीजिए और नोट करते चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित मतलब निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 बराबर 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम तथा R5 20 ओम वह बैठे 11 वोल्ट में की है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध को धारा ज्ञात करनी है, मतलब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अर्थात कह सकते हैं कि इसका समतुल प्रतिरोध और धारा ज्ञात करनी है। तो समतुल प्रतिरोध में देखेंगे भैया प्रतिरोध नंबर R1 R2 R3 ये तीनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है, और R4 R5 ये भी क्या आपस में समांतर क्रम में है, लेकिन दोनों का जो समावेश होगा वो किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे मान R1 R2 R3 का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R1 R2 व R3 का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध RA होगा। तो 1/RA = क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसको जब हल करेंगे तो RA = 1/RA कितना हो जाएगा, R1 का मान दीजिएगा भैया 15 + 1/10 + 1/13। तो इन दोनों में जब LCM लिया जाएगा तो 1/RA = कितना आएगा, 60। तो 15 × 15 = 30, 5 × 4 = 60 कितना होगा, 15 × 4 = 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2, इसको जब हल करेंगे तो 1/RA = टोटल आएगा 6 × 4 = 10 = 12, 12/60 हल करेंगे तो 1/5। तो RA = कितना आएगा, 5 ओम, RA का मान कितना आएगा, 5 ओम। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, R इसका R4 R5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R B = मतलब कि जब इसका मान निकालेंगे तो 1/RB = 1/R4 + 1/R5 तो 1/RB = कितना होगा, R4 का मान कितना है भैया, 5 और उसका 20, 1/5 + 1/20
इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना होगा 20 एलसीएम होगा, 5 चौका 20 हो जाएगा 4 प्लस 1 तो जितना 1 अपॉन आर भी टोटल मान इसका कितना होगा 5 अपॉन 20 जब हल करेंगे तो 1 अपॉन 4 तो टोटल आर भी बराबर आएगा 4 मतलब 4 ओम। तो इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या निकालेंगे हम लोग, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा 5 + 4 = 9 ओम कितना हो जाएगा 9 ओम। और इसमें धारा का मान जब पूछेगा तो लिखेंगे परिपथ में धारा बराबर क्या हो जाएगा V अपान R O के नियमानुसार तो क्या 18/9 टोटल हल कितना आएगा 2 एम्पियर। तो इसमें धारा जो होगी वो क्या होगी 2 एम्पियर बनेगी। ठीक है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे जो होगा 2 का 3 का ख। देखिए अगला प्रश्न है 3 का अथवा वाला दो विद्युत लैंप जिनके अनुपतांक 100 वाट 220 वोल्ट व 200 वाट 220 वोल्ट है समांतर क्रम में संयोजित है। यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। अब धारा की गणना करनी है। ठीक है तो सबसे पहले हम चलेंगे पहले बल्ब पे जिसमें पहले बल्ब से हम लोग हल करेंगे। हाँ तो निकालेंगे पहले बल्ब का प्रतिरोध। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए जो सूत्र होता है मान लीजिए पहले माना या हल कर लेते हैं पहले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा R1 होगा। तो R1 का प्रयोग किससे करेंगे V² / P से V² / P सामान्य तौर पर क्या होता है विभवांतर का वर्ग बटे उसमें बने हुआ उत्पन्न प्रतिरोध। तो इस वाले सूत्र से आपसे R1 बराबर V मतलब V² / P से जब हम इसको हल करेंगे तो पहले बल्ब का कितना सामर्थ्य है 100 वाट कितना सामर्थ्य है अभिवातर 220 का होल स्क्वायर बटे 100 वाट तो टोटल हो जाएगा 400 कितना 4848400 फिर हो जाएगा 100 के दोनों कैंसिल करेंगे तो R1 बराबर आएगा 484 ओम। अब निकालेंगे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध जब दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा R2 बराबर 220 का होल स्क्वायर बटे 200 क्योंकि कितना है 200 वाट का है तो ये हो जाएगा जिसका 2220 से कितना आएगा तो जाएगा 200 के 00 से कैंसिल दूसरे भाग का दो दुनी चार दो चौका दो दुनी चार के तो ये टोटल मिलेगा R2 बराबर आएगा कंप्लीटली 242 ओम। अब एक चीज और ध्यान देना है कि पहला और दूसरा जो दोनों बल्ब है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका क्या निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध जब ज्ञात किया जाएगा 1/R बराबर 1/484 + 1/242 के तो इन दोनों का एलसीएम होगा 484 यहाँ हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 1/R = 100 + 1 = 2 कितना हो जाएगा 3/484 तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर ये हो जाएगा 484/3 ओम। ये परिपथ का क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध ये क्या होगा परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ क्या करना है आपको धारा ज्ञात करना है विभवांतर आपको पता ही है हम लिखेंगे परिपथ में धारा तो ये हो जाएगा धारा बराबर क्या होता है जैसे ओम के नियमानुसार होता है V बराबर I × R तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R विभवांतर कितना है 220 वोल्ट लिखेंगे 220 वोल्ट बटे जो प्रतिरोध होगा ये हमारा 484 बटे
तीन, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा धारा I बराबर 220 गुणे 3 बटे 484 के। तो इसको हल किया जाएगा, तो इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। तो पहले किससे कटेंगे? 22 से कट करिए, 10 के कितना हो जाएगा? 22 22 से 484 के। फिर अब क्या होगा, इसको कितने से काटेंगे? 5 2 से काट दीजिए, 2 5 10 2 इकाई में रह दो, हो गया टोटल I बराबर कितना है भैया? ये आ गया 5 तिहाई 15 15 बटे 11 एम्पियर। ये होगी आपकी परिपथ की पूर्ण धारा, उस परिपथ में 11 मतलब 15 बटे 11 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, अब इस साल देखिए वीडियो थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा लंबी बन रही है, इसलिए जो इसका शेष पार्ट होगा इसको अगले वीडियो में उठाएंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को पूरा देखें और यह क्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा जब तक कि आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। इसलिए चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।